हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी मैं आ रही हूँ डॉक्टर के पास से। अपॉइंटमेंट था मेरा कि मेरे गले में अभी बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है और खांसी बहुत हो रही है मुझे। तो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करी है, तो उन्हीं को लेने के लिए मैं मेडिकल स्टोर जा रही हूँ। बस पहुँचने वाली हूँ मेडिकल स्टोर, क्योंकि हमारे घर के पास में ही एकदम। और आज मौसम बहुत ख़राब है, कल भी जितना ठंडा था उतना ही ठंडा आज भी है। और धूप का तो बिल्कुल भी कोई नामो निशान नहीं है, आप देख सकते हैं पीछे पूरा फॉगी फॉग हो रहा है। तो मेडिकल स्टोर चल लेते हैं, दवाई वगैरह ले लेते हैं। तो दवाई ले ली है मैंने, अपने घर जा रही हूँ। ठंडा हो रहा बाहर बहुत ज़्यादा। तो अभी दिन के बज रहे हैं 4:15 और मैं जा रही हूँ हनी को लेने के लिए। कुकी ऑलरेडी आ चुकी है स्कूल से। क्या हो बेटा, क्या हो बेटा? हेलोवीन तो चला गया, अब क्रिसमस आएगा। हाँ क्रिसमस आएगा। बाहर का कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगनी शुरू हो गई है। ये ट्रक के ऊपर लाइट लगी हुई है तो अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ पे पेड़ों पे भी लाइट्स लग गई क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस वगैरह आने वाला है इसीलिए। जैकेट पहनना बेटा, थैंक यू, बाय, कम। माय माय डॉटर। एक्चुअली मैं आपको कुकू को वहाँ पर छोड़ के गई ना आपको लेने के लिए, डोर खोलने के लिए। हाँ। तो उनको लग रहा था कि वो मतलब बेबी यहाँ पे अकेला है, किसका बेबी है। तो अभी मैंने उनको बोला कि माय डॉटर करके। उनको इंग्लिश तो नहीं आ रही, जर्मन में बोल रही थी वो। और कैसा रहा आपका आज स्कूल में? अच्छा रहा। खाना फिनिश किया? लंच फिनिश किया? तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और आज भी यहाँ पर लगी हुई थर्सडे मार्केट और इतनी ठंड में भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जो मार्केट है उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। तो लोग आसपास के लोग तो आते हैं, दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ कितने का? 5 का 10 का? देख नहीं, ने अपना वो लास्ट टाइम जो लिया था मिक्स फ्रूट वाला वही ले लिया। अच्छा लगा था ना आपको? आपको अच्छा लगा? यहाँ पे आज क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्रिसमस ट्री भी लग गया है। हाँ तो यहाँ पर ट्री लगा के, ट्री लगाया बेटा, ये रियल ट्री है। नहीं आई थिंक रूट है, देखो ना रूट है नीचे। हाँ फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे हमारा कुकू सो के उठ गया, अभी कितनी देर से सोया है। अच्छा मैगी कौन खाएगा? मैगी कौन खाएगा? मैगी खाना है आपको? मैगी खाना? मैगी, यू वांट टू ईट मैगी? यस। तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि उनको मैगी खानी है, स्कूल से आ गए दोनों। कुकू तो सो गई थी बस, जैसे अभी उठी है। तो मैगी बना रही हूँ, मैगी बना रही हूँ सारी सब्जियाँ डाल के, प्याज टमाटर मटर और शिमला मिर्च कैप्सिकम जो यहाँ पे मिलती है वो। और यहाँ पे हमारी मैगी बन रही है, अभी बच्चा मैगी खा रहे हैं। कुकू गर्म हो रहा है? कुकू हॉट? हनी टेस्टी? वेजिटेबल्स भी खाना सारी, सुन रहे हो? ये नहीं कि वेजिटेबल्स अलग अलग रख दी और मैगी मैगी खा ली। अभी हो गया है हमारा डिनर का टाइम, तो मैं बना रही हूँ आज भिंडी। तो ये कल मैं इंडियन स्टोर से लेके आई थी भिंडी, ये वही भिंडी है। और ये इम्पोर्टेड भिंडी है क्योंकि यहाँ पे तो मिलती ही नहीं है, जो यहाँ के नॉर्मल सुपर मार्केट है वहाँ पे भिंडी मिलती ही नहीं है। तो हमको जब भी भिंडी खानी होती है तो इंडियन स्टोर से लानी होती है। और आई डोंट नो ये भिंडी कहाँ से आई है, इंडिया से आई है या फिर किसी और कंट्री से आई, क्योंकि जो इंडियन स्टोर है वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज से आता है सामान। तो
आई डोंट नो कौन सी कंट्री से आया है। अनी क्या कर रहे हो ये हम भी करते थे बचपन में ऐसे ना, हम भी ऐसे लगा लेते थे। मम्मा कुकू लुक मम्मा मम्मा ब्यूटीफुल You want? Okay. कितना सुंदर लग रहा है मैं मम्मा के भी लगा दिया पूरा तो यहाँ पे मेरी भिंडी कट चुकी है और अब बना लेते हैं भिंडी। तो इसको आज हम बनाएंगे प्याज के साथ। मोस्टली मैं बिना प्याज के बनाती हूँ पर आज हम इसको प्याज के साथ बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। भिंडी कुरकुरी अच्छी लगती है तो बना लेते हैं, फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे। बच्चों को भूख लग गई है तो यहाँ पे हनी का होमवर्क चल रहा है। हनी कितना टाइम लगेगा बेटा, और जल्दी करो, टाइम बहुत हो गया बेटा, सोना भी है। कुकू कुकू चलो बेटा सोने चलो। हाँ कुकू क्या बोल रहे हो? I'm busy. You are busy? I'm busy. I don't want to sleep. Time to sleep. No. Okay. तो अभी यहाँ पे कुकू और मैं सोने के लिए आ गए हैं। ना स्कूल नहीं जाना आपको, तो कुकू को अभी सोना नहीं, पता नहीं कब सोएगी, मोबाइल में बिजी हो रखी है। और मैंने मेडिसिन वगैरह खा लिया तो डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे बाम लिख के दिया था उस दिन, तो मुझे सरप्राइज लगा कि यहाँ बाम नहीं मिलता होगा। आई थिंक मैंने ये सोचा था, तो इंडिया में तो जो बाम मिलता है वो छोटी सी चीज़ें मिलता है, और यहाँ पे इस तरीके का ट्यूब मिला है मुझे। ये ट्यूब है तो उसको लगा के देखेंगे कैसा है इसका, कितना इफेक्टिव है ये, और पता भी चलेगा कि इंडिया जैसा ही अलग है थोड़ा सा। मैंथॉल वगैरह लिखा तो है इसमें, तो ये ऐसे तो आप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये है पिनी मैंथॉल इसका नाम है, और बाकी ये सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ है। और कल यहाँ पे स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है मॉर्निंग में 5 बजे से के बाद, आई थिंक 40% है, पर म�र्निंग में फिर 10 बजे 70-80% है स्नोफॉल की चांसेस, और उसके बाद 4-5 दिन तक स्नोफॉल होने वाला है कंटिन्यूसली। तो हम लोग वेट करेंगे, इस बार बहुत जल्दी स्नोफॉल हो रहा है, नहीं तो लास्ट टाइम हुआ था आई थिंक दिसंबर 1 दिसंबर को, तो अभी ये नवंबर है, तो इस बार ठंडा भी बहुत, अभी एकदम से 2-4 दिन से काफ़ी ठंडा भी हो गया है, तो हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो स्नोफॉल होने का। तो अगर कल स्नोफॉल होगी तो फिर हम लोग वीडियो वगैरह कैप्चर करेंगे और फिर उसको ब्लॉग में डालेंगे। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट, बाय बाय।